आप देख रहे हैं मिशन न्यूज पाकिस्तान की आवाज। ये है कि 2 तारीख को मेरा वाकया हुआ था और जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो मेरे घर में आए, दोस्तों उन्होंने मेरे बेटे को जो कोप किया और उसके मतलब जो बल फ्रैक्चर किया और जो मैंने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन थाने में दी है, एस एस साहब को दिए है और उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद मैंने मेडिकल करवा कर फाइनल रिजल्ट जो है वो भी एस एच ओ लालिया को दिया है और उसके बाद अभी तक मैं मेडिकल नहीं, मैं 10 हज़ार आगे पीछे फिरता हूँ, मतलब थाने से बाहर बार चक्कर लगाए, एक माह हो गया है, आज तक मेरी किसी ने नहीं सुनी है। मैं गुजारिश कर दूँ और अपील कर दूँ आई जी पंजाब साहब से और डीपीओ संजीव करता हूँ जनाब आई जी पंजाब साहब से और आरपीओ फैसलाबाद साहब से और डीपीओ चंदौड़ साहब से और डीएसपी लालिया साहब से गुजारिश कर दूँ कि एक माह हो गया मुझे दिक्कत ले रहा हूँ। 2 तारीख को मैंने दरख्वास्त दी है, मेरे बेटे का बाजू फ्रैक्चर हुआ है, मेडिकल साथ दिया है और मैंने महीना हो गया है, 2 तारीख का वकूफ है। कोर्ट में तहसील लालिया नवाब चौक का रिहायशी मोहम्मद सलीम वल्द अल्लाह दिता कौम राना मोहम्मद सलीम का कहना है कि मेरे घर में अचानक 4 से 5 लोग दाखिल हुए और उन सब के हाथ में डंडे सोटे थे और मेरे बेटे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बेटे का बाजू टूट गया, जिसका मेडिकल THQ लालिया रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन मुझे एक माह हो गया है इंसाफ के लिए ठोकरें खाते हुए मगर इंसाफ ना मिल सका। मेरी अपील DSP लालिया और DPO चनियोट से है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इन जालमों के खिलाफ FIR काटी जाए और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमगीर शहजाद, मिशन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, चनियोट।